हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, इस पर कई थ्योरी है। सबसे स्थापित थ्योरी बिग बैंग को ब्रह्मांड का शुरुआती चरण मानती है। किसी वक्त ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटा था। सूक्ष्म बिंदु में करीब 14 अरब साल पहले महाविस्फोट हुआ, इसे ही बिग बैंग कहते हैं। विस्फोट से बिंदु टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर छिटकने लगा, इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। सच्चाई यह भी है कि पूरे ब्रह्मांड के सामने हमारी कोई औकात नहीं। अंतरिक्ष से जब हमारा सूरज भी धूल के कण से छोटा नजर आता है, तो वहाँ हमारा वजूद क्या होगा। हमारे चारों तरफ पृथ्वी की तरह करीब 5000 ग्रह है, कहीं ना कहीं जिंदगी होगी, और जरूरी नहीं कि यह हमारी तरह ही हो। वहाँ बहुत ही प्राथमिक स्तर का जीवन भी हो सकता है, मछली जैसा, या हमसे उन्नत प्राणी भी हो सकते हैं। वही ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। एक समय इसके बंद होने के अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन 1998 में हबल टेलीस्कोप की वजह से पता चला कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है, वह रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। इस वीडियो को अंत तक देखना और रोज नए नए अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी वजह डार्क एनर्जी है। यह हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, पर दिखाई नहीं देती। इसे हम न तो माप सकते हैं और न ही इसकी जांच कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका असर हमें महसूस होता है। यह क्या है, अगर यह पता चल जाए तो अतीत, वर्तमान और भविष्य की तमाम गुत्थियाँ खुल सकती है। आखिर में इस ब्रह्मांड का क्या होगा, यह इस बात पर तय होगा कि डार्क एनर्जी असल में क्या है। इसी तरह हमें डार्क मैटर का पता है कि यह ग्रेविटी पैदा करता है, पर यह जानकारी नहीं है कि डार्क मैटर बना किससे है। यह भी दिलचस्प बात है कि यह ब्रह्मांड जितना हमें दिखता है, वह सचमुच में ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही है, बाकी 95% अदृश्य है। इसमें से डार्क एनर्जी 68% है, बाकी 27% डार्क मैटर है, जिसे 1933 में खोजा गया था। यह अणु परमाणु से न बना होकर ऐसे जटिल और अनोखे कणों से बना है, जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता चल पाया है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती है, वे सब या तो खुद रोशनी फेंकती है या उसे रिफ्लेक्ट करती है। डार्क मैटर ये दोनों ही काम नहीं करता, इसीलिए इसे देखना नामुमकिन है। दरअसल डार्क मैटर ही इतनी ताकतवर ग्रेविटी पैदा करता है कि हर आकाशगंगा के सभी तारे उसी आकाशगंगा में बंधे रहते हैं। कुल मिलाकर डार्क मैटर ब्रह्मांड को बांधे रखने का काम करता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है। इस वजह से हर आकाशगंगा का एक दूसरे से फासला बढ़ता जाता है। इसी ब्रह्मांड में ब्लैक होल नाम की ऐसी चीज भी है, जो अपने दायरे में आने वाली हर चीज को निगल जाती है। ऐसा उसकी ग्रेविटी के जबरदस्त खिंचाव के कारण होता है। इस पर फिजिक्स के नियम लागू नहीं होते। ब्लैक होल के बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। ब्लैक होल की खोज 1964 में हुई थी। इसे हम अंतरिक्ष में बनी गहरी खाई भी कह सकते हैं, जैसे चादर में छेद, जैसे मौत का कुआं, जैसे पानी से भरी बाल्टी में हाथों से घुमाकर बनाया गया भंवर। पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग आकार के ढेरों ब्लैक होल है, पर हमारे सौरमंडल में कोई ब्लैक होल नहीं है। हाँ, हमारी आकाशगंगा के बीचों बीच एक विराट ब्लैक होल है, जो हमारे सूर्य से करीब 1 करोड़ गुना बड़ा है। ब्लैक होल कैसे बने, इस बारे में दो थ्योरी है। एक यह है कि जब कोई विशाल तारा खत्म होने को आता है, तो वह अपने अंदर ही सिमटने लगता है, कुछ वक्त बाद वह ब्लैक होल बन जाता है। दूसरी थ्योरी यह है कि ब्लैक होल बिग बैंग के बाद बना पहला आकाशीय पिंड है। सबसे पहले ब्लैक होल बना, ब्लैक होल से विभिन्न तारे बने, तारों से ग्रह, उपग्रह आदि बने। ब्लैक होल में गिरने के बाद चीजें कहाँ जाती है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। वजह यह है कि ब्लैक होल रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता। तभी उस पर रोशनी डालने पर छुप अंदर के अलावा दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता, इसीलिए ब्लैक होल का फोटो सीधे सीधे लेना मुमकिन ही नहीं है। ब्लैक होल के बारे में कई जरूरी सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है,
जैसे कि ब्लैक होल में गिरी चीज़ें क्या दूसरे डायमेंशन में चली जाती है, क्या ब्लैक होल दूसरे डायमेंशन में जाने का दरवाज़ा है, कहीं हम किसी दूसरी दुनिया किसी दूसरे ब्रह्मांड में तो नहीं पहुंच जाएंगे। जैसे ब्लैक होल है वैसे ही क्या वाइट होल भी अंतरिक्ष में है। बिग बैंग से पहले क्या था, किन हालात में बिग बैंग शुरू हुआ और क्यों, पहली आकाशगंगा कैसे बनी, पहला ब्लैक होल कैसे बना, इन सवालों के जवाब 20 बरस में मिलने की उम्मीद है। कई लोगों को यह गलतफहमी भी है कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र है। आजकल समानांतर ब्रह्मांड की भी बात हो रही है। इसमें माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका प्रतिरूप समानांतर ब्रह्मांडों में मौजूद है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घट सकता है वह सब दूसरे ब्रह्मांडों में घटित हो रहा है। हालांकि अभी तक यह आइडिया नहीं है और इसे साबित नहीं किया जा सकता। ऐसे सवालों के जवाब पाने के लिए स्विट्जरलैंड की सन लैब में इन दिनों कई प्रयोग हो रहे हैं। दुनिया की यह सबसे बड़ी लैब फ्रांस स्विट्जरलैंड सीमा पर 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में बनी हुई है। यह अरबों डॉलर का खर्चा करके लॉज हेड्रॉन कोलाइडर नाम की महामशीन लगाई गई है। इसकी मदद से पता लगाया जा सकता है कि ब्रह्मांड किन हालात में बना था। उन हालात को पैदा करके स्टडी करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रयोग में भारत समेत दुनिया भर के करीब 100 देशों के हजारों वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। सन लैब से ही गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसन होने के ठोस सबूत 2012 में मिले थे। आजकल यहाँ डार्क मैटर पर प्रयोग चल रहे हैं। उम्मीद है कि ब्रह्मांड से जुड़ी कई पहेलियाँ जल्दी सुलझ जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।